हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम खेलने जा रहे हैं अरीना ब्रेकआउट। तो ये जो है एक टेंसेंट का गेम है जो अभी ये बीटा स्टेज में चल रहा है, वैसे अल्फा बीटा है इसका। तो मैं जो है आज इसका ये अल्फा बीटा ट्राई करने वाला हूँ। ये जो है पूरे फुल गेम नहीं है, थोड़ी बहुत लैग होगी तो उसे इग्नोर कर देना। और अब चलते हैं सीधे इसकी मैच में जो यहाँ पर एंटर का है। और पहले मैं आपको इस गेम का पूरा कंसेप्ट भी बता ही देता हूँ। तो पहले जो है मैंने जेडो जेड गेम खेली थी, ये उसी की तरह है जैसे हमें एक सिटी है तो उसमें चले जाएंगे। जैसे उसमें फार्म लैंड होता है, मेरा भी फार्म लैंड ही खुला हुआ है, तो ये जो है उसमें चले जाएंगे और उसमें जाके हमें स्केप करना पड़ेगा। बस यही है, एकदम जेडो जेड की तरह। हेलो, मैं फ्यूचर से बोल रहा हूँ और ये जो गेम है भाई, ये गेम एकदम नेक्स्ट लेवल है। और सॉरी उस चीज़ के लिए, जेडो जेड से कंपेयर कर रहा हूँ मैं इस गेम को। ये जेडो जेड जैसी नहीं है, एक्सट्रैक्शन गेम है। इसमें जाके जो है हमें लूट करनी पड़ती है, और उस टाइम मेरे को पता नहीं था, और मैं अब जो फ्यूचर में आके बोल रहा हूँ बस यही बताना था। और मैंने जहाँ जहाँ कंपेयर किया था जेडो जेड को, ये जेडो जेड से एकदम अलग है और जेडो जेड भी अलग है। और जब तक मैं इसके मैच में जा रहा हूँ तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। और इधर भाई देखो, फार्म लैंड ही खुला है मेरा अभी, क्योंकि और ये इसका फार्म लैंड की लॉबी है भाई। पहले एमओ ले लेते हैं भाई, एमओ नहीं है मेरे पास। तो ये जो है मैं इसके मैच में आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखो भाई, इसका एनवायरनमेंट एकदम तगड़ा सा है। और इस गेम का कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और अब चलते हैं सीधे इसके, मैं आपको मैप दिखा लेता हूँ। और पहले मेरे को इधर जाना पड़ेगा, और बंदे को भी मार रहे हैं, फिर स्केप भी करना है इसमें। और बंदे भी ऐसे नहीं है, नूब हैं सारे, क्योंकि अभी जो है इसका बीटा टेस्ट है। और ये देखो, ये पबजी की लोकेशन जैसी लग रही है। आप वैसे जो है मैं स्पॉन एकदम तगड़ी जगह पे हो रखा हूँ। और ये क्या है, ट्रॉली? इधर से ये उठा लेते हैं, पता नहीं क्या है। और उधर वो तो पता ही है, बैंडेज है, वो बैंडेज होगा या तो कुछ और होगा। और ये लगेज पता नहीं किसका है, कोई यहीं भूल गया। तो खुल जा, खुल गया। इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, बैग के अंदर रखते हैं भाई। और ये जो है जितने भी एमओ मैं वेस्ट करूँगा वो जो है सब कुछ अब मेरी लॉबी में सेफ होती रहती है, मतलब स्टोर हो जाती है जितने भी चीज़ें बचती हैं। और हमें इससे परचेज भी करनी पड़ती है। और इसकी पिंग भी देखो कितनी, इतनी अच्छी भी नहीं आ रही, येल्लो भी चल रही है भाई इसकी पिंग भी। और मेरे को जाना किधर है, बातें करते करते पता नहीं किधर आ गया मैं, गलत जगह पर जा रहा हूँ, मेरे को शायद इधर पर जाना है। और ये अपनी बॉडी का है, गलत चीज़ खुल रही भयंकर, उधर पे जाना है मेरे को। तो इसका डायरेक्शन देखने में इतना परेशानी होती ना। और मैं जो है इस बार अकेला ही हूँ भाई, अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। और इसका रिलोड करने का स्टाइल देखो, एकदम तगड़ा सा लगता है मेरे को। और ये फिर से वो ब्रिज टूट रखा, ये तो मैं बहुत बार देख चुका हूँ। चलो बस पहुंचने वाला हूँ, और अभी तक मेरे को एक भी बंदा नहीं दिखा। वैसे भी टेंशन क्या है, कोई भरोसा नहीं, जब पोकेमॉन यूनाइट चल सकती है तो ये भी चलेगी, क्या पता। और इधर पे क्या है, वीट और कॉर्न, इधर पे वीट और कॉर्न मिलते हैं। एक बंदे की साउंड तो आ रही थी मेरे को, और ये पता नहीं अब कहाँ पे है वो बंदा। अबे आगे पे है वो, कर रहा है वैंकर। चलता हूँ सीधा, रस कर देता हूँ इसकी क्रॉस। एक तो इसकी क्रॉस फायर भी नहीं है, अबे मैं मार क्यों नहीं पा रहा। देखो इसकी क्रॉस फायर भी नहीं है, उसने डैमेज तो वैसे ठीक ठाक का दे दिया मेरे को। दूसरा बंदा आगे से मार रहा है, रुक उसको बताता हूँ वैंकर। और एक और बंदा है उधर पे, चलो रेड डॉट में तो है भाई क्रॉस फायर, बिना क्रॉस फायर के तो मज़ा नहीं आता। वो रहा बंदा, एमो नहीं है यार इसमें। तो ये मैं बोली हूँ गल, ये गन जो है सिंगल पे क्यों चल रही है, अबे मार क्यों नहीं दी भाई, एमो नहीं है क्या? अच्छा रिलोड नहीं थी, रिलोड भी हमें ही करना पड़ता है, ऑटो रिलोड नहीं हो सकती वैंकर। और मैगजीन में एमो नहीं है, चेंज करनी पड़ेगी बैग से। वैसे तो बैग में भी एमो नहीं है, सारा इसने वही
हेल्थ का सामान भर रखा बैंकर। जब मैं आप लोगों को एक और नई चीज़ दिखाता हूँ इसमें, इसके मेडिसिन लेने की स्टाइल एकदम तगड़ी है। मेडिसिन लेता है, पता नहीं क्या लेता है ये देखना अभी मेडिसिन ये कैसे लेगा। ऐसे ही खा लेगा भाई बिना पानी के। और ये बैंडेज, बैंडेज नहीं लग सकती। अच्छा उधर से जा सकता है लेकिन पता नहीं इसमें खिड़की से क्यों नहीं जा सकते। इधर पे क्या है, जिम बैग। जिम बैग में क्या निकलेंगे, डंबल निकलेंगे शायद। अबे कुछ भी नहीं निकला, खाली एकदम। और इसमें ये क्या है, ले ही लेते हैं काम आएगा। इसमें क्या पता, एक बार मैं ग्लास तोड़ के देखता हूँ। ग्लास तो उठ सकते हैं भाई, इसमें देखो क्या मस्त इफेक्ट आ रहा है। ये देखो अब तो जा सकते होंगे। अबे अभी भी नहीं जाने दे रहा यार ये, नीचे जाना पड़ेगा कूद के। पहुंचने वाला हूँ। अच्छा वो रही ना जगह, मैं तभी देखूंगा, पहुंचने वाला हूँ मैं तो। चलो अब मैं जो है यहाँ से जा सकता हूँ। पता नहीं इधर भाई बॉर्डर वॉल पता नहीं क्या होगा। और ये मैच ख़त्म, सिंपल सी थी ये वैसे गेम, जेड ओ जेड की तरह लगी है मेरे को तो ये पूरी। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। भाई ये गेम इतनी सिंपल सी है ना, एक तो जेड ओ जेड भी इससे ज़्यादा तगड़ी सी लगी मेरे को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।